डाइजेशन इन ओरल कैविटी, ठीक है। अरे ठीक है जी, ठीक है। अब ओरल कैविटी में डाइजेशन कैसे होगा, ठीक है। पहली बात तो जान लीजिए, डाइजेशन में दो प्रोसेस होते हैं, ठीक है। एक प्रोसेस होता है मैकेनिकल प्रोसेस, या इसी को आप फिजिकल प्रोसेस भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैकेनिकल या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल। तो मैकेनिकल प्रोसेस या इसी को हम क्या कहेंगे, फिजिकल प्रोसेस कहेंगे। और जो दूसरा प्रोसेस होता है इसका नाम होता है केमिकल, ठीक है, केमिकल प्रोसेस, ठीक है। मैकेनिकल या फिजिकल प्रोसेस का क्या मतलब है, देखो भैया, हमने फूड को लिया, फूड को फिजिकली या मैकेनिकली, मैकेनिकल मतलब होता है दाब द्वारा, प्रेशर द्वारा, फोर्स द्वारा, है ना, मैकेनिकली। जैसे कोई चीज हम लेकर उसको पीट रहे हैं, तो ये पीटना क्या है, मैकेनिकल है। जैसे आपने देखा होगा धान, धान कूटा जाता है तो एक ओखली रहती है, उसमें क्या कहा जाता है, मूसर है, तो उसको पीटा जाता है, क्या सा प्रोसेस है, मैकेनिकल। वैसे ही दांत है, दांत क्या है, एक हार्ड है, उसके ऊपर फूट जा रहा है, वो दांत बार बार उसके ऊपर क्या रहा है, गिर रहा है, तो वहां पर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, दांत क्रिएट हो रहा है, जिससे क्या रहा, फूट क्या है, जो लार्जर पार्टिकल था, या कह सकते हैं कि जो लार्जर पार्टिकल है फूट का, वो स्मॉल 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 पीसेस में क्या हो रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, यही हो रहा है ना। ये प्रोसेस क्या है बताइए, मैकेनिकल है या इसी हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल। मैकेनिकल या इसी हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल का, ठीक है। दूसरा क्या है, केमिकल। आपके बकल कैविटी में केमिकल प्रोसेस में क्या होगा, देखिए केमिकल प्रोसेस में आप समझिए कि आपके बकल कैविटी में दो एंजाइम रिलीज होते हैं, क्या रिलीज होते हैं, दो एंजाइम। देखो भैया, बकल कैविटी में आपका रिलीज होता है सलाइवा, क्या रिलीज होता है, सलाइवा। सलाइवा में एक एंजाइम होता है, इसका नाम क्या होता है, टाइलिन। क्या नाम होता है, टाइलिन। इसी एंजाइम हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा एमाइलेज, क्या कहते हैं, अल्फा एमाइलेज, टाइलिन, या इसी हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा एमाइलेज कहते हैं, या अल्फा एमाइलेज और टाइलिन, ये दोनों एंजाइम एक ही है, ठीक है। इनका काम क्या होता है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एंड इसका एक काम और क्या होता है, किलिंग ऑफ माइक्रोब्स, क्लियर हो गया। दूसरा आपके हमने बताया था कि आपके टंग पर एक ग्लैंड पाया जाता है, उस ग्लैंड का नाम क्या है, लिंगुअल ग्लैंड, क्या नाम है, लिंगुअल, या उसी को हम लोग कहते हैं नुहन ग्लैंड, क्या कहते हैं, नुहन ग्लैंड। तो दूसरा है लिंगुअल ग्लैंड से, लिंगुअल, लिंगुअल ग्लैंड से आपका रिलीज होगा लिंगुअल लाइपेज, क्या रिलीज होगा, लिंगुअल लाइपेज, और यह लिंगुअल लाइपेज होगा, यह किसका डाइजेशन करेगा भैया, लिपिड का, किसका डाइजेशन करेगा, लिपिड का, और ये किसका डाइजेशन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का, किसका करेगा, कार्बोहाइड्रेट का, क्या हो गई बात। अच्छा और ध्यान दीजिए, यह जो लिंगुअल ग्लैंड है, यह जो आपका लिंगुअल ग्लैंड है, ठीक है, यह लिंगुअल ग्लैंड, इसी को हम क्या कहते हैं, नुहन ग्लैंड। अच्छा आगे देखते हैं, ये जो टाइलिन एंजाइम है, देखो आपके पास कितने सलाइवरी ग्लैंड है, थ्री पेयर सलाइवरी ग्लैंड में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइलिन जो हार्मोन एंजाइम है वो कौन रिलीज करता है, कौन सा ग्लैंड, तो याद रखना भैया पैरोटिड, कौन, पैरोटिड ग्लैंड में सबसे अधिक मात्रा में क्या प्रेजेंट होता है, टाइलिन एंजाइम क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जो रिलीज करता है, बस नहीं। अब देखने वाली बात क्या है कि यह जो सलाइवा है, ध्यान दो, सलाइवा जो है इसका जो फंक्शन होता है, यानी अल्फा एमाइलेज का फंक्शन जो होता है वो होता है कहां, बकल कैविटी में ही होता है, कहां होता है, बकल कैविटी में ही होता है, ठीक है। यानी अल्फा एमाइलेज कहां पर डाइजेस्ट करेगा, बकल कैविटी में ही डाइजेस्ट करेगा, लेकिन लिंगुअल लाइपेज जो है, ये जो लिंगुअल लाइपेज है इसका फंक्शन बकल कैविटी में नहीं होता है, इसका फंक्शन कहां होता है, स्टोमक में होता है, क्यों, क्योंकि इसके फंक्शन के लिए कैसा पीएच चाहिए, एसिडिक पीएच, कैसा चाहिए, एसिडिक, और एसिडिक पीएच कहां मिलेगा, स्टोमक में, कहां मिलेगा, स्टोमक में। इसलिए आप देखोगे कि लिंगुअल लाइपेज रिलीज कहां होता है, बकल कैविटी में, लेकिन डाइजेशन कहां करता है, स्टोमक में। ये बात समझ आई नहीं, क्लियर हुआ इतनी बात, कोई दिक्कत। और देखो यह जो टाइलिन या अल्फा एमाइलेज एंजाइम है, यह करेगा क्या, मेनली किसकी बात हो रही है, स्टार्च की, किसकी बात हो रही है, स्टार्च,
यहां पर कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा, स्टार्च। अब बताओ स्टार्च किसका बना होता है, स्टार्च किसका पॉलीमर होता है, पढ़ चुके हो कार्बोहाइड्रेट ना, स्टार्च किसका पॉलीमर होता है, अल्फा ग्लूकोज का, किसका पॉलीमर होता है, अल्फा ग्लूकोज का। तो देखो ये हो गया ग्लूकोज, ये हो गया ग्लूकोज, फिर हो गया ग्लूकोज, फिर हो गया ग्लूकोज, फिर हो गया ग्लूकोज, फिर हो गया ग्लूकोज। ये ऐसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अटैच रहेंगे किससे, बाय द बॉन्ड, बॉन्ड का नाम क्या होगा, अल्फा वन फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्लियर हो गया। इस बॉन्ड द्वारा क्या होंगे, अटैच होंगे। अब क्या होगा कि यह जो कार्बोहाइड्रेट है आपका एंजाइम कौन है, टाइलिन या अल्फा एमाइलेज, यही एंजाइम क्या करेगा, इसी अल्फा वन फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पर क्या करेगा, काम करेगा। और काम करने के बाद, यानी एक बात और ध्यान दो कि आपका जो टाइलिन एंजाइम है वो याद रखना वह एंडो डाइजेस्टिव एंजाइम है। कैसा है, एंडो, एंडो मतलब कि स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट को बाहर से नहीं काटेगा बल्कि अंदर से काटेगा, और काट करके यानी तोड़ करके कम से कम यह जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल बनाएगा वह दो ग्लूकोज का बनाएगा जिसका नाम क्या होगा, माल्टोस। क्या होगा, समझिएगा कि नहीं, क्या होगा, माल्टोस, ठीक है। या फिर यह दो से बड़े मॉलिक्यूल बनाएगा जिसका नाम होगा डेस्ट्रीन। क्या नाम होगा, डेस्ट्रीन, समझे। तो या तो यह माल्टोस बनाएगा या तो क्या बनाएगा, डेस्ट्रीन बनाएगा। अब सोचने वाली बात क्या है कि आपका हो गया स्टार्च, स्टार्च जो आपका है इसका पीएच क्या होगा, पीएच कितना होता है सलाइवा भैया, 6.8, स्लाइटली एसिडिक होता है। और यहां पे एंजाइम कौन सा होगा, अल्फा एमाइलेज, क्या होगा, अल्फा एमाइलेज। और यह एंजाइम क्या करेगा, स्टार्च को तोड़ेगा किसमें, माल्टोस में, तोड़ देगा माल्टोस में, और किसमें तोड़ देगा भैया, डेस्ट्रीन में, किसमें तोड़ेगा, डेस्ट्रीन में, समय बात नहीं। अब देखो, अब आपने लिया, मान लीजिए कभी आप केवल चावल खाइए या फिर केवल आप रोटी खाइए सूखी रोटी, तो आप देखेंगे शुरू में मीठा नहीं लगता, शुरू में मीठा लगता है क्या, नहीं। लेकिन जैसे ही आप उसको कुचना प्रारंभ करते हो, कुचते हो, कुछ समय बाद वह किसी में कैसा लग जाता है, मीठा, हल्का मीठा लगता है। रीजन क्या है, क्योंकि जब आपने लिया तो किसके फॉर्म में था, स्टार्च के फॉर्म में था, और स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड है, तो पॉलीसेकेराइड क्या स्वाद में मीठा होता है, नहीं। लेकिन जब इसको तोड़ा जाएगा एमाइलेज द्वारा किसमें, माल्टोस में, माल्टोस क्या है, डाइसेकेराइड है, तो डाइसेकेराइड स्वाद में कैसा होता है, मीठा होता है। इसलिए रोटी कुछ समय बाद मीठी लगती है, चावल कुछ समय बाद मीठा लगता है, क्योंकि रियल में क्या है, डाइसेकेराइड है, माल्टोस, समझ में बात नहीं है। और अगर हम फूड को प्रॉपर मेस्टिकेट करके अगर हम करें, जो मेस्टिकेट करें पूछे, तो याद रखना स्टार्च का या कार्बोहाइड्रेट का लगभग 30% कितना परसेंट, 30% भैया आपके बकल कैविटी में क्या जाता है, डाइजेस्ट में, समझ बात कि नहीं। अब लिंगुअल लाइपेज की बात आती है, ये किसका रिएक्शन करता है, लिपिड का। लेकिन याद रखना ये कहां काम करता है, स्टोमक में जाकर के, ठीक है। और डाइजेस्ट किसको करेगा, लिपिड को, किसको डाइजेस्ट करेगा, लिपिड को। तो लिंगुअल लाइपेज होगा वह लिपिड को डाइजेस्ट करेगा कहां, स्टोमक में, और लिपिड को किसमें तोड़ेगा, लिपिड को तोड़ेगा ग्लिसराल में, प्लस किसमें तोड़ेगा, फैटी एसिड, समझ बात नहीं। तो ये क्या था, डाइजेशन इन बकल, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए।